हेलो फ्रेंड्स, होम फूड्स बाय चंचल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बच्चों के फेवरेट डोरा केक। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक कटोरी मैदा ले लिया है, एक चम्मच मिल्क पाउडर और दो चम्मच शक्कर ले लिए, या एक गिलास दूध ले लिया अपना बैटर बनाने के लिए। या हम दूध पूरा यूज़ नहीं करेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम यूज़ करेंगे। या हमने हनी ले लिया है और फ्लेवर के लिए हमने वनीला एसेंस ले लिया है। चलिए हम अपना बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम सबसे पहले मैदा ऐड करेंगे, फिर मिल्क पाउडर और अपनी पिसी हुई शक्कर। आप शक्कर की जगह कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। हमने सभी अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसका एक बैटर बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। दूध हमारा रूम टेम्परेचर पे है, ठंडा दूध नहीं है। इसका हमें एक स्मूथ बैटर तैयार करना है। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे, जिसमें एक भी गुठलियां ना रहे। हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच के करीब हनी और फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको वनीला एसेंस पसंद नहीं है तो आप उसकी जगह दूसरा कोई फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारे पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे हमारे डोरा केक एकदम फ्लॉफी और एकदम बढ़िया बनेंगे। हमारा बैटर तैयार है। चलिए अब हम इसके डोरा केक बनाने स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है। डोरा केक बनाने के लिए हमेशा नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल कीजिएगा। इस पर हम एक चम्मच तेल डालेंगे और इसे टिश्यू पेपर से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। गैस को हमें एकदम लो फ्लेम पर रखना है। चलिए हम अपने डोरा केक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा बैटर लेके इसे डालेंगे। इसे हम फैलाएंगे नहीं, अपने आप ही फैल जाएगा। अगर आपको और साइज़ बड़ा रखना है तो आप और बैटर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम ढक के थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, जिससे नीचे से अच्छे से पक जाए। देखिए हमारा डोरा केक कितने अच्छे से पक गया, इसमें कितने अच्छे से बबल्स आ गए। अब इसे हम पलट लेंगे और दूसरी साइड सेक लेंगे। इसकी हम आँच कम ही रखेंगे, एकदम लो पे। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। इसे दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से पका लेंगे। अब हम पलट के देख लेंगे। ये देखिए हमारे दूसरे साइड से भी कितने अच्छे से सीख चुका है। इसी तरीके से हम बाकी के अपने डोरा केक भी सेक लेंगे। इसे भी हम ढक के अच्छे से पका लेंगे लो फ्लेम पे। हमारे डोरा केक बन के तैयार है। आप देख सकते हैं कितने खाने में मज़ेदार दिख रहे हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डालूंगी अच्छे से।
आप चाहे तो इसके ऊपर जो न्यूट्रेला का स्प्रेड आता है वो भी आप इस पर डाल सकते हैं, और दूसरा इसके ऊपर डोरा केक रख के। अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। ये कैसा दिखेगा, ये देखिए दिख रहा है एकदम मज़ेदार। हमारी चॉकलेट सिरप अंदर अंदर तक अच्छे से चली गई है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बना के खिलाइएगा। और मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल होम फूड्स बाय चंचल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।